वेलकम टू हेवनली डिसीजन मोड। मैं ललिता मनोज। आज हम दाल खिचड़ी की रेसिपी देखने जा रहे हैं, जो कि मूंग की दाल और चावल से बनाया जाता है और ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आप इसे जरूर से बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दाल खिचड़ी के लिए हमने 1 कप चावल लिए है, 1/4 कप मूंग की दाल ली है। इन दोनों को अलग अलग धोकर हम इन दोनों को पका लेंगे। चावल और दाल दोनों धो के रेडी है। इसे मैंने धोकर 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं इन दोनों को गैस पे चढ़ाकर पका लूंगी। इसे हमें कम्प्लीटली कुक करना है, आधा कच्चा पका नहीं रखना है, हमें अच्छे से कुक करना है। दाल और चावल अच्छे से हमारे पक गए हैं और मैंने गैस बंद कर लिया। एकदम अच्छे से हमें पकाना है, एकदम खुले खुले नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा अच्छे से पके हुए चाहिए, हमें इस तरह से मैश हो जाने चाहिए। चलिए अब हम इसका तड़का कर लेते हैं। दाल खिचड़ी के लिए हमें 1 टमाटर लिया है बारीक कट कर, 1 बड़ा प्याज लिया है जिसे भी मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है, 2 टेबलस्पून गार्लिक है जिसे एकदम बारीक फूड प्रोसेसर में बारीक फाइन चॉप कर लिया है, हरा धनिया, अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून है इसमें जिसे मैंने बारीक एकदम बारीक चॉप किया, और 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्ची ली है बारीक चॉप कर, और हमें चाहिए नींबू, करी पत्ता और लाल साबुत मिर्ची और हमें लगेंगे सूखे मसाले। चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है, आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, वन फोर टीस्पून हींग डालेंगे, अदरक और लहसुन डालेंगे, मैंने चॉप करके लिया है, आप चाहो तो इसका पेस्ट भी ले सकते हो। इसको अच्छे से इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे चॉप की हुई, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का गोल्डन आने तक हमें इसे फ्राई करना है। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, और इन सारी सामग्री को 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से पकाना है। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, इन दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमने दाल को उबाल के रखा था उसे भी डाल देते हैं। अब हम चावल भी डाल देते हैं। इन सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल और दाल को अच्छे से हमें मैश करते हुए पकाना है। अगर आपको लगे कि मैश नहीं हो रहा तो आप पाव भाजी मैशर से भी आप मैश कर सकते हो। इस तरह से अच्छे से मैश करना है। अब हम इसमें 1 ग्लास जितना पानी डाल देंगे। अच्छे से पानी मिक्स हो गया है, अब हम इस पर ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक इसमें उबाल आ रहा है हम तड़का बना लेते हैं, दूसरा तड़का करेंगे हम। इसमें एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डाला है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 2 साबुत लाल मिर्च और करी पत्ता, और हम इसमें लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे।
लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम गैस बंद कर लेते हैं। और इसमें हम 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तड़के को हम खिचड़ी में डाल देंगे। लहसुन को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, इस तरह से गोल्डन होने पर ही डालना है, इससे आपका फ्लेवर आएगा। अब हम इस पर हरा धनिया डालेंगे, 1 नींबू का रस डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल खिचड़ी रेडी है सर्व करने के लिए। हमारा परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खिचड़ा बनके रेडी है। आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए, ये बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है।